वेलकम टू अति इलेक्ट्रॉनिक। ये जो एलईडी की फेडिंग आप दिख रहे हैं, इसे लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी तक आ रही है, तो इस इफेक्ट को इस बल्ब में देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस बल्ब को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एलईडी जो यहाँ पे लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी हो रही है, तो इसमें 0 से 5 वोल्ट आ रहा है और इस बल्ब को 5 वोल्ट जला नहीं पाएगा। और इसमें जो करंट आ रही है 25 माइक्रोएम्पियर आ रहा है, तो इस बल्ब को जलाने के लिए हमें चाहिए हाई एम्पियर, कम से कम 3 एम्पियर की करंट चाहिए फुल्ली इंटेंसिटी होने के लिए। इस इफेक्ट को इस बल्ब में कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए हम इस मॉस्फेट की सहायता से हम देखेंगे। इसका पार्ट नंबर है IRF 540 और इसको ड्राइव करने के लिए, इस मॉस्फेट को ड्राइव करने के लिए हम आज टोटेम पोल ड्राइवर बनाएंगे। वेरी कॉमन BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मैंने 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिया है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरी है। कहने का मतलब हो गया, एक का पार्ट नंबर है BC557 और दूसरा का BC547, एक PNP और NPN ट्रांजिस्टर है। तो चलिए ये 2 ट्रांजिस्टर से एक टोटेम पोल ड्राइवर बनाते हैं। ड्राइवर बना के इस मॉस्फेट को ड्राइव करके इस इफेक्ट को इस बल्ब पे देखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टोटेम पोल ड्राइवर क्यों चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए और एक वीडियो बना के वो समझा दूंगा। चलिए पहले देख लेते हैं, ये जो BC547 BC557 अगर हम इस तरफ से पकड़ेंगे तो इस लेग को हम इमीटर कहेंगे, बीच वाले को बेस और एक्सट्रीम लेफ्ट को हम कलेक्टर कहेंगे। चलिए तो टोटेम पोल में हम कॉमन इमीटर कर लेंगे, इमीटर जो है कॉमन रहेगा, ठीक है। चलिए कनेक्शन करते हैं इस बोर्ड पे। पहले मॉस्फेट को कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए मॉस्फेट को यहाँ पे, जो मॉस्फेट का जो पार्ट नंबर है IRF 540, आप कुछ भी मॉस्फेट ले सकते हो, 540, Z44, 55NF06, 50NF60, कुछ भी एन चैनल की मॉस्फेट आप ले सकते हो, ठीक है। ये मॉस्फेट ले लिया, ठीक है। मॉस्फेट की ये सोर्स है, ये ड्रेन है और ये गेट है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको कॉमन इमीटर करना है। ए इमीटर है और इसका भी इमीटर ए है, तो हम दोनों ए इमीटर को हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। इमीटर कॉमन इमीटर हो जाएगा, ठीक है। BC557 की मीटर ये है, तो हम BC557 को इस तरफ से लगाएंगे ताकि इसका जो है कलेक्टर जो है ये मॉस्फेट की सोर्स के साथ सीधा होके रहे और हम आसानी से कनेक्शन कर सके। ये हो गया, चले बेस को थोड़ा सा ये हो गया कलेक्टर बेस इमीटर, ठीक है। ए BC557 और ये हो गया BC547 इमीटर
बेस और ये रहा कलेक्टर, थोड़ा सा दूर कनेक्शन ले लेते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसको भी हम इमीटर को जो है एक साथ में जोड़ देना है, तो ये जो है इमीटर था इसको एक साथ में जोड़ दिया। और फिर बेस को एक साथ में जोड़ देना है, चलिए बेस को भी हम जोड़ देते हैं। अब सोर्स के साथ इस BC557 की कलेक्टर को एक साथ जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा नेगेटिव सप्लाई। और ये जो कॉमन इमीटर था, इस कॉमन इमीटर से हम गेट तक, MOSFET की गेट तक एक 100 ओम्स या 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा लेंगे। जोड़ देते हैं इसको। और हमें चाहिए और एक 10 के रेजिस्टर। ये 10 के रेजिस्टर जो है पुल डाउन रेजिस्टर है, मॉस्फेट को पुल डाउन करके रखेगा, नहीं तो मॉस्फेट मिस फायर कर सकते हैं। ये पुल डाउन रेजिस्टर गेट से सोर्स तक होता है एन चैनल मॉस्फेट की। पी चैनल मॉस्फेट के भी गेट से सोर्स तक ही होता है, ये हमेशा आप लगा के रखिएगा, नहीं तो फिर MOSFET जो है मिस फायर कर सकता है और MOSFET उड़ भी सकता है। ये हो गया हमारा MOSFET की कनेक्शन। अब जो है ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो करंट कंट्रोल के लिए लगाया गया है, 3.3 ओम्स की रेजिस्टेंस है, आप 1 ओम से 10 ओम या 100 ओम्स के बीच कुछ भी लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 1 वाट के ही रेजिस्टेंस लगाइए, हाफ वाट का रेजिस्टेंस भी चल जाएगा। मिनिमम हाफ वाट की रेजिस्टेंस आप लगाइए, ठीक है। हो गया हमारा सब सर्किट कंप्लीट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए पॉजिटिव सप्लाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे। पहले हम बल्ब को जोड़ लेते हैं। बल्ब को जोड़ने के लिए चलिए बल्ब को जोड़ लेते हैं। बल्ब की जो पॉजिटिव सप्लाई से एक कॉमन जाएगा, ऐसे कॉमन, दूसरी जो है MOSFET की ड्रेन से जाएगा। चलिए इसको MOSFET की ड्रेन 20 वाला ये बॉडी 20 वाला से दे देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव जो है इस बैटरी के साथ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं इसको, और नेगेटिव भी बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, या फिर
और यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे बैटरी की नेगेटिव पी लाइन है, इसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इसकी सिग्नल लेनी है, से सिग्नल लेनी है। हम सिग्नल यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से सिग्नल ले रहे हैं। और इसको जो है क्या करेंगे, दो जो बेस था, दोनों बीजेटी की ट्रांजिस्टर की बेस में हम जोड़ देंगे। अब देखिए ये एलईडी के साथ कैसे फेड अप हो रहा है, ये देखिए। जिस तरफ से एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसी तरफ से इसके भी इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब हो गया, फिर धीरे धीरे जैसे एलईडी बढ़ रहा है वैसे देखिए, अभी आप देख सकते हैं कैसे हल्का हल्का करके इसका इंटेंसिटी आ रही है। और मैक्सिमम तक आएगा, जैसे ही मैक्सिमम आएगा वो ऑफ हो जाएगा। धीरे धीरे आ रही है, तो इस तरफ से जो है आप एक टोटेम पोल ड्राइवर बना सकते हैं किसी भी एन चैनल मॉसफेट के लिए। इससे आपका ड्राइवर यूनिट भी खराब नहीं होगा और मॉसफेट भी ज़्यादा हीट नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए।